हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवलिंग मंचीज। हम लोग हैं अभी हल्द्वानी शहर में जो उत्तराखंड में है और जा रहे हैं नैनीताल। अगर आपको नैनीताल जाना है तो आपको हल्द्वानी या काठगोदाम तक ट्रेन मिल सकती है, जहां हम अभी पहुंच गए हैं। और यहां से हम लोग एक प्राइवेट टैक्सी करके जा रहे हैं नैनीताल ऊपर पहाड़ों में। सुनने में आया कि वहाँ बहुत ठंड है और शायद बर्फ़ भी पड़ी है। अगर हम लोग लकी रहे तो बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे वो देखने के लिए आप लोग जाइए फ्लैशबैक में, जब हम लोग थे बेंगलोर एयरपोर्ट पे। हम लोग टैक्सी से बेंगलोर एयरपोर्ट पहुँचे और दिल्ली की फ़्लाइट में लगेज चेक इन करके डिनर किया। फिर मैंने एयरप्लेन की जर्नी बहुत इंजॉय करी। दिल्ली एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन के लिए हमने एक टैक्सी करी और वहाँ से ट्रेन पकड़ी। मैंने ट्रेन की जर्नी भी खूब इंजॉय की। 12 बजे तक हम हल्द्वानी पहुँच गए। तो ये था यहाँ तक का हमारा सफ़र। अब यहाँ से पहाड़ियों का सफ़र हम आपके साथ करेंगे। चलिए देखा ना, ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, ये लास्ट स्टॉप है। इसके ऊपर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। पहले हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पड़ता है, फिर ये वाला। यहाँ से भी आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे, अगर आपको नैनीताल के लिए जाना है, बहुत सारी बसेस और नॉन स्टॉप टैक्सीज भी चलती हैं, तो आप किसी को भी हाथ दे के रोक सकते हैं, आपको ले जाएंगे। अदरवाइज आप टैक्सी स्टैंड जाइए, वहाँ से बैठ जाइए। रास्ते में काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें से हमने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चूज़ किया फॉर आर ब्रेकफास्ट। ये भुजिया घाट में है। लोकेशन डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आ गए अब हम सागर रत्ना होटल। ये हल्द्वानी से नैनीताल वाले रूट पे है और आप लोग देखिए व्यू पहले, यार कितना मेस्मराइजिंग है। बताइए, मेरा घर है। और कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वो कहावत बिल्कुल सही है। मैं यहाँ इतने सालों से रह रही हूँ और कभी भी नहीं आती हूँ। आज मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों को दिखाना है अपना होम टाउन, तो मैंने ये व्यू देखा और मैं खुद चौंक गई हूँ कि इतना प्यारा व्यू है रेस्टोरेंट के साथ। अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा सा गरम गरम नाश्ता करते हैं, और बहुत दिन हो गए हमने साउथ इंडियन खाना नहीं खाया है। क्या करें, बैंगलोर में रहने की आदत हो गई है ना, तो इडली, वड़ा और डोसा तीनों मिस कर रही हूँ मैं। यहाँ आए हैं अपने होम टाउन के व्यू के साथ। मैंने आज ऑर्डर किया है मसाला डोसा और साथ में इडली वड़ा। देखते हैं नॉर्थ में साउथ का टेस्ट कितना अच्छा आता है। आ गया है मेरा मसाला डोसा, साइज़ में काफ़ी बड़ा है। साथ में उन्होंने तीन टाइप की चटनियाँ और दो सांभर की कटोरी दी हैं। खा के बताती हूँ कैसा बना है। लेकिन जैसा देश वैसा भेष हो जाता है ना, तो नॉर्थ में आके डोसे का भी रूप थोड़ा सा तो नॉर्थ इंडियन टेस्ट के हिसाब से हुआ ही है। जैसे आलू में ना हल्का सा हल्दी और टमाटर आ गया है, अलग लेयर, काफ़ी क्रिस्पी है, अभी तक क्रिस्पी है, मेरे को वो बहुत अच्छा लग रहा है इनका। बाकी अब यार नॉर्थ में थोड़ा अलग तो मिलेगा ही ना, मज़ा आ रहा है। अगर आप साउथ इंडियन हैं और आपको क्रेव हो रही है अच्छे डोसा खाने की, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स साउथ जैसा नहीं मिलेगा, बट दिस इज नॉट बैड। हमने ना इडली वड़ा ऑर्डर किया था, इडली अभी रेडी हो रही है, तो उन्होंने हमें वड़ा ही सर्व कर दिया। वड़ा है बड़ा क्रिस्पी, तो मैंने कहा यार रुकती नहीं हूँ, खा लेती हूँ, है ना। फिर ठंडा हो जाएगा तो फिर वड़े की बात ही ख़त्म हो जाती है। देखो नॉर्थ इंडियन वड़ा नहीं, नॉर्थ में साउथ इंडियन वड़ा। Even if the sky is falling down.
बड़ा अच्छा बना है, अपने साउथ की तरह ही बना है, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा छोटा है साइज में, अदरवाइज टेस्ट में एकदम परफेक्ट है। जितना जितना छोटा बड़ा आया था ना इडली, उतनी बड़ी आई है, काफ़ी बड़ी है। ये देखो, इडली से मैं काफ़ी खुश हूँ। अब मैं खा के बताती हूँ कैसी बनी है। Even if the sky is falling down. इडली सांभर बहुत अच्छा लग रहा है यार। अब समझ में आया कि सांभर की कंसिस्टेंसी ना थोड़ी पतली क्यों है। इडली को जो डिप करके खाने में मजा आ रहा है ना, ट्रस्ट इन आवर विंग्स टू फ्लाई। समटाइम्स वी आर एंडिंग आवर मील विद अ फिल्टर कॉफी। सीरियसली, जब से मैं हल्द्वानी आई थी ना, मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी बैंगलोर के नाश्ते को। ये साउथ के नाश्ते के जैसा तोड़ होता ही नहीं है। आज फुल मन भर के खाया, इडली, डोसा, वड़ा और साथ में फिल्टर कॉफ़ी। यहाँ के जो कप और कटोरा है ना, ये साउथ के हिसाब से ना डबल है हर चीज़। मतलब कॉफ़ी का साइज़ ये देखो इतना बड़ा, वही कटोरा भी इतना बड़ा। वहाँ तो ऐसे ऐसे दो पी लें हम, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ ठंडा भी ज़्यादा होता है और यहाँ के लोगों ना चाय कॉफ़ी को ज़्यादा पीने की आदत है, मतलब ग्लास भर भर के पीते हैं। मे बी इसीलिए उन लोगों ने कस्टमाइज़ किया हुआ है इसे। बट एनी साउथ इंडियन हु इज़ ट्रैवलिंग टू नैनीताल साइड कैन कम टू दिस प्लेस। काफ़ी अच्छी प्लेस है, आपको अपना नाश्ता मिल जाएगा अपने स्टाइल का। क्योंकि जब हम निकलते हैं ना अपने घर से बाहर, तो सबसे ज़्यादा मिस हम खाने को ही करते हैं। दिस इज़ अ नाइस प्लेस फॉर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हो गया, हम लोग निकल गए रेस्टोरेंट से। रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा था, सर्विस भी अच्छी थी, खाना एकदम ऑथेंटिक था। बस वो है कि यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा महंगा था, लेकिन अगर आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए अपनी जगह से बाहर ना, तो थोड़ा पैसा देना पड़ता है। जैसे साउथ में नॉर्थ इंडियन खाना काफ़ी महंगा है, वैसे ये भी यहाँ काफ़ी महंगा था। एक मसाला डोसा, दो इडली, एक सिंगल वड़ा, एक चाय, एक पानी की बॉटल, 500 रुपये। अगर हम लोग साउथ में रहते हैं और वहाँ खाते हैं अपने बैंगलोर में, तो शायद 150 रुपये में, 150 रुपये में आराम से खाना हो जाता पूरा। बट इट्स ओके। हम लोगों ने तो अपना होटल काफ़ी दिन पहले ही बुक कर लिया था, क्योंकि हमारा आज प्लान नहीं था कि हमें नैनीताल जाना है। बट जब बर्फ़ गिर जाती है, तो जितने भी हल्द्वानी के लोग होते हैं वो बर्फ़ देखने के लिए जाते ही जाते हैं। नॉट ओनली हल्द्वानी, उससे लगे आसपास की सारी प्लेसेस। तो आज नैनीताल में भीड़ भी बहुत होगी, सब लोग हिमपात देखने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए वहाँ पहुँचे होंगे। सब लोगों को फोटो खींचने का ऐसी जगह पे जो शौक होता है ना, यहाँ आके पूरा होता है। सब लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके बीच में उतर के और पहाड़ों के साथ फोटो खींचने का मजा उठा रहे हैं। और हमारे काम के काफ़ी ऑपोजिट, हम लोगों को फोटो खींचने का ज़्यादा शौक नहीं है। और ख़ासकर जो ऐसी वादियाँ हों, ऐसे खुले 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 पहाड़ हों, इतना जंगल हो, इतनी हरियाली हो, देखने में जो मज़ा आता है ना, मुझे वो ऐसा फ़ोटो खिंचाने में मज़ा नहीं आता है। हम वादियों का ही लुक तो उठाते रह जाते हैं, ये देखो एकदम। मैं सिर्फ शॉट देने के लिए उठती हूँ, फिर ऐसे ही लेटी रहती हूँ। एक्चुअली ना उत्तराखंड काफ़ी अंडररेटेड प्लेस है। यहाँ वैसे बहुत ही प्यारी वादियाँ हैं। इवन मैं भी अब इसको रियलाइज़ कर रही हूँ, जब से शूट करना शुरू किया है। हम लोग के घर के पास ऊटी है, राइट? ऊटी इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये इतना खूबसूरत है। पहाड़ी पहाड़, हरियाली हरियाली, प्यारे प्यारे लोग, अच्छा अच्छा खाना, बस इंजॉय हो रहा है हमारा। हम लोग नैनीताल पहुंच गए, यहाँ काफ़ी भीड़ थी। हमारा होटल माल रोड में ही था, तो हम टैक्सी से उतरकर होटल की ओर चल पड़े। होटल की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। Jumping from cliffs so high,
trust in our wings to fly. Sometimes we're... हम लोग पहुंच गए हैं अपने रूम पे चेक इन के लिए। अभी थोड़ा सा समय तो आराम कर रहे हैं रूम जब तक साफ़ हो रहा है। नैनीताल का मौसम बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले तक धूप थी, अब धूप चली गई है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का बादल वाला व्यू कैसा है, हमारे रिजॉर्ट से व्यू कैसा आ रहा है। हमारा रिजॉर्ट एक्चुअली मॉल रोड पर ही है। ये देखिए ऊपर मस्त पहाड़ों में बादल आ गए हैं। वहाँ ऊपर जहाँ आप देख रहे हैं ना, वहाँ कल रात में कह रहे हैं स्नोफॉल हुई है, शायद यहाँ पे भी हो स्नोफॉल। और ये रहा हमारा रिजॉर्ट। हाँ तो हमारी वेलकम टी रेडी है। ऐसे मौसम में ठंडी वेलकम टी ड्रिंक नहीं चाहिए, गर्म गर्म वेलकम ड्रिंक। तो हमने जिंजर टी मंगाई है। आप देखिए चाय विद दिस व्यू। और यहाँ पे इन्होंने कबर्ड दिए है और लॉकर भी है साथ में, अगर कोई आपका एक्सपेंसिव चीज हो ना तो आप उसे अंदर रख के जा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक टेबल है कपड़े वपड़े रखने के लिए, तैयार होने के लिए मिरर। ये छोटा सा कोजी सा रूम है, बेडरूम, साइड टेबल, अच्छी सी लाइटिंग हो रखी है। श्रेय यहाँ से देखने के बाद ना मुझे वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का वो डायलॉग याद आ गया अभिनय वाला, बॉयज अगर व्यू चाहिए तो उस तरफ देखो इधर नहीं। बैक साइड वाले लोगों के लिए ना एक बालकनी भी है, कॉमन बालकनी, और मैं आपको वो दिखाती हूँ, वहां से शायद आपको लेक व्यू होएगा। सोचिए अगर जिंदगी यहीं बितानी हो तो। यार मैं ना इन लोगों से थोड़ा थोड़ा जेलस हो रही हूँ जिनका घर ही यहीं है। वाह ये वीडियो ना ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है और जिसमें हमने ट्रैवलिंग मंचीज का ट्रैवलिंग पार्ट कवर कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम मंचिंग पार्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ माल रोड पे जो जो भी अच्छी खाने की चीज़ें हैं, अच्छी खाने के रेस्टोरेंट हैं, वो हम एक्सप्लोर करेंगे आफ्टर टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक। थोड़ी देर एक नैप लेते हैं। तो बस ये वाला वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ पे आएगा नैनीताल का खाना। बाय बाय, टेक केयर। Trust in our wings.